बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और आज आपको बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी बताऊंगी चने के सालन की। चने का सालन किस तरीके से तैयार किया जाता है, जो कि दाल चावलों के साथ आसानी से खाया जा सकता है, रोटी के साथ खाया जा सकता है, सही है? तो आए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे ईजी रेसिपी है ये और सबसे झटपट है, और कुकर में तैयार करेंगे तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे और ये चना रेडी हो जाएगा कुकर में। ये चने हमने ले लिए थे, इसको हमने ओवरनाइट भिगोए हैं सोडा डालकर। सोडा डाला है, इसको भिगो लिया था हमने, सही है? अब जो है ये बिल्कुल पानी ये पी चुका है, बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल ये चने में जल्द हो गया, पानी पी गया है, अच्छा सा फूल गया है ये। अब हम इसको यूज़ करेंगे किस तरीके से, देखें। हम पानी फेंक देंगे, पहले सोडे वाला पानी वो फेंक देंगे, चने का उसमें शामिल कर देंगे कुकर में। अब इन चनों में हम प्याज शामिल करेंगे, 3 दरमियानी साइज की कटी हुई थी, प्याजों का ही सारा कमाल होता है, तो आप इसमें प्याज अच्छी खासी शामिल करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी ग्रेवी तैयार होगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, तो मसाले हमारे पास हैं धनिया पाउडर, ये हम जो है 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका शामिल करेंगे, जितने आपको नमक का टेस्ट पसंद है उतना शामिल कर सकते हैं, तो हसबे जायका नमक। और अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तमाम गोश्तों की जो सालन होते हैं उसको भी पीछे छोड़ देगा, बहुत ज़बरदस्त ही चने की रेसिपी रेडी होगी। और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, अब इसमें जाएगा पानी, बस 3 से 4 गिलास डाले हैं मैंने पानी के। इसको मिक्स करेंगे, फ्रेंड फैमिली में शेयर किया जाएगा ताकि मेरी वीडियो जो है हर एक बंदे तक पहुंच सके, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब इसको ढक देंगे, मिनट या 10 मिनट ले दाँत रखूँगी, फिर इसके बाद बस ये 20 से 25 मिनट लेगा कि, तो आपसे मिलते हैं फिर चना गलने के बाद 20 मिनट बाद। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ज़बरदस्त से ये चने तैयार हो गए हैं, गल गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल टेंडर हो गए हैं, देखें आप इसको देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं ये। ये बिल्कुल बिल्कुल गल चुके हैं, हलवा हो गए हैं, मैंने कि बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है, बस इस तरीके से। अब हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, बस इसको 20 से 25 मिनट लगे हैं, बस 20 से 25 मिनट में ये इतने अच्छे गल गए हैं, हम कितनी बुनाई करेंगे। इसमें हम हरी मिर्चें कट की हुई शामिल कर देंगे, लीमू का अरक शामिल करेंगे, 2 लीमू ले लिए हमने, दो लीमू शामिल कर देंगे, सालन में से बहुत ही यमी सी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई गोश्त का सालन बन रहा है, ये गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ देगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है ये। तो उसमें लीमू और हरी मिर्ची आखिर में शामिल करेंगे, अगर आपके पास टमाटर हो तो टमाटर भी शामिल कर सकते हैं इसका पेस्ट, उसके साथ भुनाई कर लें। मैंने अभी ऑयल थोड़ा शामिल किया था ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए, पानी खुश होगा फिर हम उसको भूनेंगे खुश होने के बाद। ये हमने कप में बेसन ले लिया है 2 टेबल स्पून भर के, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसको घोल लेंगे। अब इसको ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है बेसन,
इससे बहुत ज़बरदस्त सालन बनेगा आपका, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी आएगी, थिकनेस बहुत अच्छी आएगी। तो इसको अच्छी तरह से घोल देंगे। बेसन अच्छी तरह फेंट लिया, इसको शामिल कर देंगे चनों में। इसको भी हम चनों में शामिल कर देंगे। बेसन शामिल कर दिया चनों में अच्छी तरह से, इसकी भुनाई में ये भी जाएगा और पक जाएगा ये बेसन। अभी से इतनी अच्छी थिकनेस नज़र आ रही है इसकी। बेसन डालने से सिर्फ 2 टेबल स्पून डालना है, सही है, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी थोड़ी थिकनेस चाहिए और शोरबा तो चाहिए भी नहीं हमें, तो लतपत्ता सा हो जाएगा। मसाले जो हैं लगे हुए होंगे चनों के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त लगता है बेसन से जो है मसाले अच्छी तरह जो है इसके ऊपर लग जाते हैं चनों पर। ये देखें व्यूअर्स, हमने इतनी भुनाई करनी है, इसको ऑयल ऊपर आ गया। देखें पूरी प्याज जो है इसकी मैश हो चुकी है, जितनी भी हमने मोटी मोटी प्याज कट करके डाली थी वो नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल मैश होकर मसाला बन गई है, यकजान हो गई है चनों में और मसाले की शेप में आ गई है। अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, भुनाई सबसे बेस्ट प्रोसेस है और अच्छा प्रोसेस यही है कि इसकी भुनाई अच्छी की जाए। इस कंडीशन में आ गए तो मतलब ही हमारे मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, भुन चुका है सब कुछ, सही है। अब हम इस चने को अब डिश आउट करके दिखाएंगे आपको। अगर आप चाहें तो इस कंडीशन में रखें, या चाहें आप इसमें शोरबा थोड़ा बना लें रोटी में चावलों में खाने के लिए। थोड़ा मसाला मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो इसलिए इसमें पानी शामिल कर दूँगी। भूनने के बाद बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है, सही है। प्याज तो सबका कच्चापन निकल गया है, लहसुन अदरक जो डाला था सबका निकल गया है, और ऑयल के साथ भून लिया गया है इसको। अब थोड़ा सा पानी डालूँगी। बिल्कुल आखिर में चूल्हा बंद कर दिया, चावल मसाला डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। शुरू में नहीं डाला है, सही है, इसको आखिर में डालेंगे तो इसका जायका अच्छा आएगा। चाट मसाला डाल दिया, सही है। अब हम चना शामिल कर देंगे जो हमने आपको बनाया था, डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्ती है चने की सालन की ज़बरदस्ती रेसिपी, जो गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ दे, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी खुद ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। तो आज इसी तरीके से बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको ये चने की सालन की रेसिपी। और इसी के साथ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक हर उस जगह से आपको खुशियाँ और नेमतें अता करें जहाँ से आपका गुमान भी ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। Thank you.